हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू दूसरा व्यू, एक और दूसरा क्लिप का एपिसोड। और आज का टॉपिक सुपर रेस सुपरमैन मोहम्मद रिजवान का, उनकी ओपनिंग के ऊपर बात करेंगे। काफी देर से मीडिया की बात हो रही है क्या उन्हें ओपन करना चाहिए कंसिडरिंग इस अनबिलीवेबल फॉर्म एंड परफॉर्मेंसेज, तो इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अदनान को वापस इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अदनान बड़ी देर बाद शो में आ रहे हैं, और अदनान लुकिंग वेरी ब्राइट, लुकिंग वेरी स्मार्ट, वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू, थैंक यू मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हेलो समाज, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। चलो तो अब सीन ये है कि एक और दूसरा क्लिप का एपिसोड तो है, अब टेस्ट मैच भी शुरू होने लगा है, तो हम दूसरा व्यू पॉडकास्ट के लिए वापस आएंगे बाद में। इस बात का मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट विल बी लाइव, और ये होगा संडे का दिन ईस्टर्न, और टाइम एग्जैक्टली मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रहा, लेकिन जब कन्फर्म हो जाएगा तो फेसबुक पे जरूर स्टेटस लगा होगा और ट्विटर पे भी ट्वीट किया जाएगा किस टाइम पे संडे को लाइव जाएंगे। तो इफ यू वांट टू चेक दैट आउट और इफ यू वांट टू जॉइन अस लाइव तो डू चेक आउट ऑन द सोशल मीडिया, लिंक्स अभी सारे आपके सामने हैं। तो अब आते हैं अदनान बात पे, जो टॉपिक एट हैंड है, हम दोनों के इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है, मीडिया में बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन जा रही है इसके ऊपर, क्या रिजवान को ओपन करना चाहिए? गिव अस योर थॉट्स। यार इसमें मतलब कि आई डोंट थिंक इस पे कोई सेकंड थॉट भी होनी चाहिए, लोग कैसे सेकंड थॉट रखते हैं। वो बंदा मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है, इसकी क्या मतलब कि क्या एक लाइन की वजह होगी वो परफॉर्म कर रहा है भाई, वो मतलब रन्स पे रन्स कर ही जा रहा है। पहले मैं भी उसका क्रिटिक था, मैं कहता था कि रिजवान छक्के नहीं मार सकता, अब वो बंदा सेंचुरियां मार रहा है, उसमें एक इनिंग उसने 7 छक्के मारे हैं, फिर न्यूजीलैंड में उसने छक्के मारे हैं, फिर यहाँ उसने छक्के मारे हैं, अब क्या मतलब कि कोई वो ये मतलब कि वो 150 मीटर का छक्का मारे तो वो क्वालिफाई करेगा भाई, उसकी एवरेज 100 की है। चलो एवरेज तो टी ट्वेंटी मानता भी नहीं, स्ट्राइक रेट उसका 141 का, मतलब मैं कहता हूँ चलो ठीक है एवरेज ठीक है ओपन भी करता है, मतलब इसका 141 का स्ट्राइक रेट है भाई, 141 से क्या आपको 341 वाला प्लेयर चाहिए? तो आई थिंक, और ऊपर से आपके चॉइस क्या है, फखर रिजवान के साथ आप ओपन करें या फखर को लेके या बाबर को लेके, वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन रिजवान कैसे पुश डाउन करेंगे ये मेरी समझ आ रहा है भाई। वो बंदा ICC रैंकिंग में टॉप 10 में आ गया है, और आया भी कहाँ से है, 100 एंड कुछ पोजिशन से, तो मतलब कि आई डोंट थिंक इस पर कोई क्वेश्चन भी होना चाहिए। बस हमारा मसला है ना, हम कभी खुश नहीं हो सकते हैं पाकिस्तानी फैंस के, हमें और चाहिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्म कर, तो आप क्या चाहिए, सुपरमैन बनाना है आपने या स्पाइडरमैन बनाना है, क्या चाहिए आप? तो आई डोंट थिंक दिस इज अ डिबेट, फॉर मी इट इज क्लोज्ड, डन, फाइनल। तो अदनान मुझे समझ आ गई कि आपने क्यों कहा रिजवान को ओपन करना चाहिए जिस तरीके से फॉर्म चल रही है उनकी, और ओपनिंग में स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने स्कोर किया है। अपनी ओपिनियन देने से पहले बस अप्रिशिएट करना चाहता हूँ एक बार रिजवान को कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं। अगर आप उनके स्कोर्स देखें, वो सिर्फ हैवी स्कोर नहीं करे बल्कि वो नॉट आउट रह रहे हैं, और ये बड़ी बात होती है कि फिनिश करके मैच आना या इनिंग्स के आखिर तक रहना, कैरी करना टीम को, तो इस बात की वजह से उनको प्रेज मिलना चाहिए। लेकिन बात यह अदनान कि क्या बेस्ट यूटिलाइजेशन उनकी अप द ऑर्डर था, ठीक है? मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि मेरी टीम में फिलहाल शर्जील खान खेल रहे हैं, क्योंकि शर्जील खान को अभी उतने मौके नहीं मिले टू प्रूव हिमसेल्फ, और मुझे लगता है कि इज अ रियल मैच विनर, और PSL जब आएगा यू विल सी द बेस्ट ऑफ शर्जील खान, तो वो मेरी टीम में फिलहाल खेल रहे हैं जब तक फॉरसीबल फ्यूचर में ड्रॉप नहीं होते। अगर शर्जील खान खेल रहे हैं तो मैं रिजवान को ओपन नहीं कराऊंगा, और उसकी मेन वजह शर्जील खान नहीं है, शर्जील खान की जगह नहीं बन रही, बाबर आजम के लिए जगह बन रही है। बाबर आजम वो प्लेयर है जो T20 में पता नहीं कितनी देर के लिए नंबर वन था, और वो क्यों नंबर वन था, क्योंकि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर में आता था, पावर प्ले को यूटिलाइज करता था, चौके शौके खुले मारता था, और उसकी वजह से उसकी स्ट्राइक रेट ऊपर रहती थी, और पावर प्ले के बाद जरूर नीचे आती थी, लेकिन क्योंकि पावर प्ले वो खेल चुके होते थे 6 ओवर, तो इतना फर्क नहीं पड़ता था। अब मैं बाबर आजम को देखता हूँ, अगर वो 1 डाउन आए या इवन 2 डाउन, लेकिन 1 डाउन तक ही आएंगे, अगर 1 डाउन आए वो तो काफी ज्यादा पावर प्ले के ओवर निकल जाते हैं कभी कभी, और उस वजह से जब वो आते हैं तो ही टेक्स टाइम, एंड जब एक्सेलरेट करने का वक्त आता है तो मुझे नहीं लगता बाबर उस तरीके से एक्सेलरेट कर सकते हैं। अगर आपने रिजवान की आजकल इनिंग्स देखी हैं, जो पिछली कुछ इनिंग्स थी, छक्के दे रहे हैं जैसे आपने कहे, बकायदा छक्के मार रहे हैं वो, और कितने लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि बाबर आजम के पास अनफॉर्चुनेटली वो एबिलिटी इस वक्त नजर नहीं आ रही, हालांकि बाबर आजम बेटर प्लेयर रेट है मोर, लेकिन बाबर के पास वो 6 हिटिंग वाली एबिलिटी इस वक्त नजर नहीं आई जो मिडिल ऑर्डर में चाहिए। अब रिजवान के पास वो छक्कों वाली एबिलिटी भी है, और रिजवान के पास वो अकल भी है कि हमें वो फिनिश कर सकता है, बिकॉज इट इज नॉट आउट एबिलिटी। अब ये कहना कि वो मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट नहीं कर सकेगा, अब आप भी उसे देख रहे हो, मैं भी उसे देख रहा हूँ, जिस तरीके से वो खेल रहा है आजकल, कैसे हो सकता है कि वो मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट ना करे? दैट्स जस्ट माय ओपिनियन, ही इज इन टॉप फॉर्म राइट नाउ, और बड़ा मुश्किल होता है टॉप ऑर्डर से नीचे किसी को लाना। आपका नंबर क्या है? आपका नंबर क्या है? नंबर मैं उस नंबर पे आता हूं, नंबर पता है किस नंबर पे उसको खिलाएंगे? 4 5 6 मैं आपको नंबर बताता हूं,
मेरी टीम में शर्जील खान ओपन करेगा बाबर आजम के साथ, ठीक है। वन डाउन पे आएंगे फखर जमान, ठीक है। फखर जमान के बाद आएंगे मोहम्मद हफीज, और मोहम्मद हफीज के बाद आएंगे मोहम्मद रिजवान, ठीक है। और उसके बाद मैं हैदर अली को लाऊंगा। हैदर अली को मैं ऊपर लाना चाह रहा हूँ, लेकिन रिजवान अगर नीचे आ रहे हैं तो हैदर अली रिजवान से ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि रिजवान पहले हम नीचे ला रहे हैं, सच गुड ने हफीज को मैं ऊपर डाल रहा हूँ। बीच में हमें रिजवान का फैक्टर मिल जाएगा और वो मुझे लगता है उधर वो गेम को गाइड कर सकेंगे। तो ये मेरा ओपिनियन है। लोग कहते हैं कि शर्जील और फखर को मैं ओपन नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि फॉर द सेम रीजन है बाबर और रिजवान को ओपन नहीं कराना चाह रहा, सिमिलर, वेरी सिमिलर। और एक अग्रेसर होना चाहिए और एक नॉर्मल प्लेयर होना चाहिए जो शॉट्स मार सकता है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाबर और शर्जील ओपन करें, ना कि फखर और शर्जील, और ना कि रिजवान और बाबर, क्योंकि रिजवान और बाबर में फिर वो सिमिलर आ जाती है। हालांकि उन्हें 200 भी मारा है, लेकिन हमने देखा है जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल भी किया था बाबर ने स्पेशली, सो ही नीड्स दैट पावर प्ले अप द टॉप। और ये मेरी बस फीलिंग है, आपको इस हवाले से क्या लगता है, मतलब पावर प्ले और बाबर के हवाले से? मेरे लिए तो रिजवान ओपन कर रहा है, ठीक है, और कर रहा है, ठीक है। उसके साथ आइडियली आई वुड कीप फखर जमान। तो आपकी टीम में शर्जील खान नहीं है? स्क्वाड में होंगे, क्योंकि स्क्वाड में तो आपको 23 बंदे भी चाहिए, मतलब मैंने पढ़ा आईसीसी ने कहा कि अब यू कैन ब्रिंग अप टू 20-22 प्लेयर्स लिस्ट, लेकिन प्लेइंग 11 में मेरी फखर और रिजवान ओपन करते हैं, या फखर या रिजवान और बाबर ओपन करते हैं, आइदर वे, लेकिन रिजवान को हटाना क्रिमिनल मेरे हिसाब से, रिजवान को ओपनिंग से हटाना क्रिमिनल। तो बाबर क्या करेंगे, आपको बाबर का इशू नजर नहीं आ रहा कि बाबर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं डाउन द ऑर्डर, मतलब जब बाबर डाउन द ऑर्डर नहीं थी, जब बाबर इशू कर जाते हैं? मेरा पॉइंट ये है, बाबर और फखर में यू कैन ऑलवेज चेंज, कि अगर फर्ज करें इफ यू आर अ ट्रिकी सरफेस जहाँ बॉल फंस रहा है या कुछ स्कोर कम है, 140 और सब चेज कर रहे हैं, वहाँ यू कैन ऑलवेज गो अप विद बाबर अप एट द टॉप। जहाँ थोड़ा मतलब क्या लग रहा है कि यार स्कोर ज़्यादा है या आप चेज कर रहे हैं, माने 70-180 प्लस आपको तेज स्टार्ट चाहिए, वहाँ आप ऑलवेज एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा टी20 में टीम बड़ा क्विकली एडजस्ट करती है। मुझे लगता है बाबर की पोजिशन एडजस्टेबल होनी चाहिए फखर और बाबर की, 1 और 3 में दे कैन ऑलवेज चेंज, बट रिजवान इज ओपनिंग फॉर श्योर, क्योंकि रिजवान थोड़ा टाइम लेता है शुरू में, फिर एक्सेलरेशन करता है अच्छी, तो दैट इज अ परफेक्ट टी20 प्लेयर। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना क्लोज दिस आउट। मेरा ओपिनियन बस ये है गाइस, अनपॉपुलर ओपिनियन है मुझे पता है, लेकिन रिजवान इतने कंसिडरेबल फॉर्म में है, मैं बस उस बंदे को यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ना कि हम शुएब मलिक को वापस बुलाएं या सरफराज अहमद को खिला के दो कीपर्स खिलाएं, बड़े ऑप्शन दे रहे हैं लोग, तो मैं अपना ही ऑप्शन दे रहा हूँ जी। में कई लोग एग्री करेंगे कि शुएब मलिक को वापस ना बुलाओ, उससे बेहतर रिजवान को मिडिल ऑर्डर में कर दो। यार रिजवान अगर मिडिल ऑर्डर में आपको करके दे सकता है काम और बाबर ऊपर करके दे सकता है काम, तो फिर क्यों ना हो, एक साथ क्यों करने, आपने दोनों इतने क्लास प्लेयर्स को क्यों जाया करने। आप खुद ही कह रहे हो आपके पास वो प्लेयर्स नहीं है जो क्रीज पे रह सके, तो रिजवान रह सकता है, बाबर रह सकता है, डिवाइड देम आउट, और बीच में हैदर अली भी फिट हो सकता है, इतने ज्यादा ऑप्शंस खुल जाती हैं आपके पास, शर्जील आ सकता है, एक्सप्लोसिवनेस आ सकती है, फखर वन डाउन भी आ सकता है, एक और वर्ल्ड खुल जाएगी अगर आप रिजवान को निकाल दोगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, ग्रेटनेस को मैं शक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बस देख रहा हूँ कि टीम के फायदेमंद में क्या, और मुझे नजर नहीं आ रहा कि दिस इज द ऑप्टिमम लाइनअप। जब आपको याद होगा जब वो आए भी थे तो बस वो एक मेकशिफ्ट थे, उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया उसके बाद उन्हें जगह ही नहीं छोड़ी अपनी तो मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। नेशनल टी20 से पहले भी नेशनल टी20 उन्होंने ओपन किया था, लेकिन उससे पहले He was playing in the middle order, so ऐसे नहीं कि उनको experience नहीं है, he can do it and I think we should give it a shot, क्योंकि वही बात है बाकी options से बेहतर है। तो ये था आज का दूसरा clip, guys पाकिस्तान versus जिम्बाब्वे की test series शुरू हो रही है, तो उसके हवाले से बात करेंगे podcast पे again, live होंगे हम, तो please do join us, live chat भी होगा, तो शुगर लगाएंगे आपके साथ, जो भी बात करना चाहे करेंगे, और वो होगा संडे के दिन, और EST दोपहर का टाइम होगा, फिक्स टाइम आपको दे दिया जाएगा सोशल मीडिया पे, यू कैन चेक आउट फेसबुक एंड ट्विटर। तो ये सब बातें हो गई, उस वक्त तक गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम, नाना भी सलाम करना, अल्लाह हाफिज गाइस, टेक केयर।